कौन है टीम वाले रहते हैं। हम दूध देखने आटो बना रहा है सर। चल ही जाओगे चार कैरियर है ये नहीं है लफड़िए चले हैं गाड़ी लेके मस्ती करते हैं। आप लोगों ने देखा ना ये वीडियो मरीन ड्राइव पटना का, जहाँ हम मम्मी पापा गन्नू सबको ही मेला घूमने जा रहे थे, मतलब होली वाला जो ज्ञान भवन में लगा है। तो इन लोग कंटिन्यूसली दोनों लड़का फॉलो कर रहा था, और जब हम लोगों ने उनको पकड़ के बोला कि वो क्यों ऐसे कर रहा है, इट इज़ काइंड ऑफ ईव टीजिंग, तो वो लोग बहस करने लगा और फिर गाड़ी स्पीड करके चला गया। सो वी शुड नॉट सपोर्ट सच थिंग्स यार, वी शुड नॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। सो भाई आज है संडे, और संडे 26 फरवरी का संडे है, और होली थोड़े दिन में ही है। तो बात कुछ ऐसा है ना कि आज हम लोग जा रहे हैं मेला, वही वाला मेला वापस जिससे हम लोगों को कुत्ते जैसा बाहर निकाल दिया गया था, अंदर नहीं जाने दिया गया था। तो आज हम लोग उस मेला में घुस के अपने बेइज्जती का बदला निकालने वाले। लेकिन अभी हम अपने रूम में जाके वीडियो इसीलिए नहीं बना सकते क्योंकि मेरी माता श्री आज है थोड़े गुस्से वाले मूड में, क्योंकि वो सुबह से काम किए और हमको बहुत सारा काम करने बोली, जो कि हम किए नहीं, कि हम बाद में करेंगे, हमको करना था। कॉलेज वाला मेरा दिमाग अलग सटकाइल रहता है असाइनमेंट के चक्कर में, एक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता है कि दूसरा थमा देता कंप्लीट करने के लिए। अरे बताइए भैया कैसे करेंगे इतना असाइनमेंट पूरा एक ही बार में, फिर क्या रात में जगो असाइनमेंट पूरा करो और सुबह मम्मी से सुनो रात भर करता क्या रहता है रे तुम लोग, कितना बजे रात तक जगल रहता है, किकड़ा से बात करते रहता है। अब उनको अपना दुख कौन बताए कि हम लोग को करना रहता है असाइनमेंट पूरा, और रात ही का समय होता है जिसमें हमें टाइम मिलता है असाइनमेंट पूरा करने के लिए। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वीडियो कहाँ बनाए, तो हम आ गए अपने गाड़ी पे, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ हम शांति से वीडियो बना सकते हैं। और अपना चाबी ले आए हैं और अपना पर्स भी ले आए हैं, ऐसे तो हम जा रहे पापा के साथ, लेकिन अगर मेरे पापा हमको कुछ नहीं दिया तो खुद का स्टॉक रहना चाहिए पैसे का, ताकि हम छोटे मोटे चीज़ उस मेले से खरीद सकें, क्योंकि हम जाए मेला में और कुछ ना खरीदे ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। आप लोग की फेवरेट गन्नू स्टार भी हमारे साथ जाने वाली है, क्योंकि अगर वो ना जाए तो हमारा संडे सफल कैसे हो सकता है। मेरे पापा पीछे से चिल्लाते, पिताजी वही आदमी हैं जिन्होंने शादी का गाना सुन के मेरा शादी कराने का मूड छाने लगता है। सुबह सुबह 10 घंटे का लेक्चर सुने शादी के ऊपर कि जल्दी शादी कर लेना चाहिए लड़की को। नहीं, क्यों भाई, क्यों 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 करूं मैं जल्दी शादी, नहीं। थोड़ा वह कार्ड देख सकते हैं ना आप, जिसमें लोग अपने प्रेमी और प्रेमिका की तस्वीरें और नाम लिखा करते, एक कार्ड है हमारा ही, लेकिन इसका कभी इस्तेमाल इसीलिए नहीं आता क्योंकि पेट्रोल हो गया है महंगा। मेरे पापा को डर लगता है चलाने में कार, और ये जो देख रहे हैं हमको हेलमेट में, ये प्रोटेक्शन है इसीलिए नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए ताकि पुलिस वाला चालान ना काटे। रेडियो के इंतज़ार करने का तो पुराना परंपरा है हमारे घर का, और हमें वेट करने के लिए तब तक बोला जाता तब तक हमारे माँ बाप बहन सज धज कर रेडी ना हो जाए, और हम ऐसे जा रहे हैं चुड़ैल जैसे। वहाँ पे पापा और गन्नू बहस करते हुए, उन लोग का बहस एंडलेस है, कोई भी टॉपिक उठा लो उन लोग का बहस होता है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, ये है वही मरीन ड्राइव जिसमें खाली खाने का सामान मिलता है। जब ये नया था तो बहुत भीड़ हुआ करता था, अब यहाँ पे कोई नहीं दिखता है। आप यहाँ आएंगे तो आपको तरह तरह के व्यंजन मिल जाएंगे खाने के लिए, और मन करे तो थोड़ा फ़ोटो खिंचवा लीजिए ताकि आप अपना व्हाट्सएप का DP बदल सके। बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं यहाँ पे, यहाँ आके कुछ खास होता नहीं है, बस आइए खाइए और फ़ोटो खिंचाइए। तो अब हम आ गए हैं वही मेला में जिससे हम लोग को भगा दिया गया था। अब देखते हैं सिक्योरिटी वाले चाचा क्या कर रहे हैं। अहो चाचा इधर देखिए, इधर आजो भगा दीजिए काका। ना ना बउआ, आज ना भगाएंगे, आज मेला चालू हो गया। और सच में गाइस आप देख सकते हैं हमारे ज्ञान भवन का मेला,
और काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग जल्दी से अंदर। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेलिटी करते हुए वेलकम बैनर्स एंड ऑल, जल्दी फोटो खिंचवा लेते हैं, कल मेला ख़त्म हो जाएगा। ए पापा रुकिए, हम पीछे छूट गए, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे पापा रुकिए। अरे इनको लगता सुनाई ही नहीं दे रहा है। ई गन्नू दिन भर अपना बाल संवारते हुए, नहीं चाहिए भैया पैम्पलेट, नहीं चाहिए। गन्नू मम्मी के पीछे पीछे जाते हुए कि कुछ खरीदा दे मम्मी, लेकिन मम्मी तो कुछ उसको खरीदाने से रही। और हम इन लोग के पीछे जाते हुए कि भाई कोई हमको देखी, लेकिन हम एक व्लॉगर हैं। ऐसे तो हम हैं बिहारी, बट यहाँ पे आ हम पहली बार आए हैं और इस बार पूरा फैमिली आ रहा है, लेकिन मैं पहली बार आ रही हूँ, जबकि मेरे मम्मी पापा बहुत बार घूम चुके हैं यहाँ पे। ये आंटी सब जगह मिल जाती है हमको, चाहे कोई भी मिलो, या मेरे पापा थोड़े सक पकाहट में कि ये लोग यहाँ आ तो गया है, अब मेरा पैसा खर्चा कराएगा, कहीं मैं गरीबी ना हो जाऊँ यहाँ आके। और यहाँ मेरी मम्मी का सबसे पहले नज़र जाता है ये सब सूट पे, लेकिन जब उस दाम पूछती है तब वो शांत हो जाती है, क्योंकि ये सब सूट 5-5 हज़ार का। यहाँ पे मिल रहा है आपको की चेन, जिसमें आप अपने प्रेमिका और प्रेमी के नाम लिखवा सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी हैंडमेड आइटम्स, बैग एंड ऑल भी मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ आके पैसा खर्च कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो बस यहाँ से एक पिचकारी लें और घर जाके होली मनाएं, दैट वुड बी बेटर। ये हमारे बचपन का चॉकलेट, ये 20 का पैकेट, कपड़ा महंगे कपड़े। प्रतीत हो रहा है कि यहाँ घूमने के लिए हमको एक किडनी बेचना पड़ जाएगा, क्योंकि इतना महंगा सामान है यहाँ पे, इतना महंगा कि अगर एक किडनी भी दे दो तो कम पड़ जाए। यहाँ है ड्रीम कैचर, अगर होती है आपको सोने में कोई प्रॉब्लम तो लगाएं ड्रीम कैचर और देखें अच्छा अच्छा सपना। वो वाला। अरे मोरी भैया भूत तो देख लियो, मेरे पापा आगे आगे जाते हुए ये सोचते हुए, हाँ क्या बात है, आज कुछ खर्चा नहीं करा रहा ये लोग, लगता है मेरा बाल बच्चा सुधर गया। लेकिन फिर ही मम्मी यहाँ पे आते हुए और पापा यहाँ से अचानक से भाग जाते हैं, कहीं खर्चा ना हो जाए। आई आप बता सकते हैं जो ऊपर में कुर्ती कितने का? 1500 का है, 1500 का। नहीं आंटी नहीं है इतना पैसा, गरीब बच्चा सब है हम लोग, पॉकेट मनी सेव करके मेला घूमने आया है हम, और ये अंकल ऐसे बैठे हुए हैं। फिर मेरी मम्मी यहाँ जाती है झोला का दाम पूछने, ये है झोला जिसमें थोड़ा बहुत कलाकारी करके ये लोगों ने बना दिया है, हैंड बैग टोटा बैग, वैसे इसको बोलते झोला है, ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो आप ये झोला यहाँ से खरीद सकते हैं। फिर ये आंटी बड़े ही शिद्दत से ये पेंटिंग बनाते हुए और मुझे ये देखकर काफ़ी बहुत 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 प्रसन्नता हुई। तो गन्नू बोली है कि अगर आप लोग 1K सब्सक्राइबर कर देंगे तो वो ऐसा पेंटिंग बनाएगी मेरे लिए। मैं खो गया हूँ इस मार्केट में, अच्छा यहाँ है, हमको लगा कि कहाँ गया सब, हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। मम्मी भी प्रयास करते हुए कि उसको कहीं कुछ सस्ता मिल जाए, क्योंकि हाँ किडनी भी बेच देंगे तो बहुत महंगा। मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करते। हम लोग यहाँ पापा को छोड़ के आए कि कहीं पापा को ये सब अच्छा ना लग जाए, क्योंकि उनको गार्डनिंग का शौक है। और ये लो पापा तो यहाँ पहुँच गए पहले ही, ये देखो पापा यहाँ पे है गमला उमला है, ले लो। अरे इसमें तो मेरा पूरा घर जाएगा रे पापा। ब्लॉगर एवरीवेयर, जहाँ पटना में कुछ हो जाए वहाँ पे ब्लॉगर आपको दिखेंगे, जैसे कि मैं। इसीलिए इस जो छोटे छोटे ब्लॉगर होते हैं जो आपको इंटरटेन करते हैं कि हाँ यहाँ ये लगा वहाँ वो मेला लगा, उसको आप लोग को और सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहिए। लेकिन नहीं एकदम नहीं, देख के वीडियो छोड़ देना है, 90% लोग वीडियो देख के छोड़ देते हैं। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। मैंने इस मार्केट से सबसे पहला आइटम लिया ये कैंडीज, मम्मी पैसे निकालते हुए 20 रुपया, ये चॉकलेट खा लिया। अब रिव्यू देते हैं कि कैसा, वही लाइक क्लेयर्स वाला चॉकलेट एकदम डिटो वैसा सेम लग रहा है। 10 रुपये बर्बाद हो गया, इस वजह मैं 1-1 रुपये का 10 क्लेयर्स ले लेती हूँ, बट अब मुँह में टूट गया तो खा ही लेते हैं। गोल्ड के भी मालिक है, गोल्ड ज्वेलरी शॉप के भी मालिक है, लेकिन आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर जरूर फीस लेंगे। हम ये भी पहन कर जाएंगे ना, एक्चुअली सोनार सोना नहीं पहनता, आप लोग का वहम है, देखिए वो बेचने में ही रह जाता है, पहन ही नहीं पाता है। उठाना और पहन के
शादी में चल जाना कल। फिर रख देना, फिर रख देना। Who knows, business भी। मुझे अल्टीमेट डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है यहाँ आने के बाद, क्योंकि हमको कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे। घाघरा चोली एंड ऑल मिल रहा है, तो हम शादी, एक्चुअली मेरा शादी नहीं हो रहा है कि हम घाघरा चोली लेंगे। तो अभी इधर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। और वो अभी ध्यान दे रहे हैं वहाँ पे। चलो ना इधर पहले चल लेते हैं, यहाँ पे तुमको लगाना चाहिए था स्टॉल अपना ज्वेलरी शॉप। इट इज ऑफ गोल्ड यार, वो नहीं दिखा रहा है। फॉर होली और देख ली। अच्छा तुम एक उजला टी शर्ट पहन के होली खेलो, सेम हो जाएगा, उसमें पहन बेच भी सकती हो। मम्मी को अपने पसंद का कोई आइटम मिल नहीं रहा, घूमते घूमते वो आ गई फिर से यही जगह पे। घूम फिर के एक ही जगह पे आ जा रही है कि कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, पर कुछ मिल नहीं रहा है। प्राइस सुन के किडनी दर्द करने लगा। तुम्हारे लिए एक टास्क है, इस मेले में है बादाम का दुकान, अगर तुम इसका बादाम चोरी करके खा ली तो तुमको एक चॉकलेट और मिलेगा। कैन इसमें हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, इसमें हिम्मत ही नहीं। अरे पकड़ो, छोड़ को पकड़ो। मम्मी गन्नू गाना, ये सक्सेसफुल हो गए इसका चैलेंज, दिखाओ बादाम चोरनी कहीं की। अब तुमको वो पुलिस के पास भेजेगा बादाम चोरी करने के खुशी में। BTS आर्मी है गन्नू मेरी, BTS एवरीवेयर, और मैंने पर्पल कलर का नेल पेंट भी लगाया है। कॉस्ट पूछो, पूछो ना। गाइस पॉकेट में पैसा है अगर है तो यहाँ आए, क्योंकि ये सेंट्रल मॉल से भी ज्यादा महंगा है। पापा भुलाएगा गाइस, पापा भुला गए, इस कुंभ के मेले में मेरे पापा भुला गए भाई, पापा भुला गए पापा, पापा नहीं मिल रहे। पता चला पापा मम्मी के पास चले गए और हम ही लोग खो गए। और यहाँ पे जैमर लगा हुआ, उनको कॉल भी नहीं। पापा मिल गए, कुंभ के मेला में खो गए थे हम लोग, बिछड़ गए थे, बिछड़ गए थे। अगर 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा तो गन्नू एकदम ऐसा हूबहू पेंटिंग आपको बना के दिखाएगी। अगर वो वैसा पेंटिंग नहीं बना पाए तो आप उसको मेरे घर आकर थप्पड़ से मार सकते हैं। हम लोग इस महंगे दुनिया से निकलते हुए बाय बाय, आप बहुत एक्सपेंसिव थे, मेरे किडनी बिक भी जाते तो आपको मैं खरीद नहीं सकती थी, सो बाय। और मेरे पापा यहाँ पे, पापा के पैसा बचने की खुशी में पापा भागते हुए कि यहाँ से जल्दी निकलो, इससे पहले ये लोग का मन बदल जाए और खर्चा करा दे। तो इस मेला से एक गन्नू ही है जो कुछ ले के निकली है, वो भी 20 रुपया का चॉकलेट जो 5 रुपया में मार्केट में मिलता है। अब क्या कर सकते हैं, घर ही जाना पड़ेगा। सो सैड। अरे ये देखिए यहीं पे मिल गए सिक्योरिटी वाले चाचा। ये चाचा घूम के आ गए अंदर से, पिछले बार भगा दिए थे आप। कहाँ तीन बड़ी एंग्री बर्ड जैसा क्यों करते रहती है, सब इसको कमेंट में एंग्री बर्ड लिखिए। ठीक है चलते हैं। कहाँ सो होली मेला ओके बाय। तो गाइस चलते हैं जल्दी जल्दी घर, क्योंकि गन्नू को जोरों से सुसु आई है और जल्दी से घर जाता है। लेकिन घर जाने के पहले हम लोग आइसक्रीम जरूर खा के रहेंगे, चाहे किसी को भी सुसु लगे, किसी को भी पॉटी लगे, खाना तो है मुझे। तो 100 रुपया मिला हम लोगों को आइसक्रीम खाने के लिए, और जाके देखते हैं इनके पास कौन कौन सा आइसक्रीम है, अच्छे अच्छे आइसक्रीम है कि नहीं। आइसक्रीम तो काफ़ी अच्छे अच्छे टेस्टी लग रहे हैं, मन तो कर रहा है इनका ठेला चोरी करके भाग जाऊँ, बट चोरी करना बुरी बात है। तो मैंने लिया ये केसर पिस्ता वाला कुल्फी, और गन्नू पता नहीं कौन सा आइसक्रीम लिया। ऐसा कुल्फी लग रहा मेरा दांत टूट जाएगा, लेकिन टेस्ट अच्छा है। अब नॉर्मल होने दो, नॉर्मल ये। और पापा तीनों आइसक्रीम खिला रहे, पर हमको कोई कुछ नहीं दिलाया, कोई कुछ नहीं दिलाया हमको। अपना वाला पापा को दे दीजिए। इतना बड़ा आइसक्रीम था सारा, खाते जाओ खत्म ही नहीं हो रहा था, तो पापा को दे दिया, आप खाइए। तो चल
अब हम लोग जाते हैं घर और देखते हैं कि फिर हम लोग को मम्मी आज उसको जिस शादी में जाना वहाँ ले जाती है या नहीं। तो हम लोग घर जाते हुए कभी मम्मी आगे कभी हम आगे कभी मम्मी आगे हम आगे, यहाँ लग रहा है इस रोड पे हम और मम्मी आपस में रेस लगा रहे हैं। बाकी मज़ा तो खूब आ रहा था रेस लगाने में, लेकिन आपको रोड पे स्पीड गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ज्ञान को रखते हैं बाजू में और चलते हैं मम्मी से आगे, क्योंकि हमें घर पहले पहुंचना है। और यहाँ पे मम्मी पोज मारते हुए आए हाय मेरी परम 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 सुंदरी। पापा जल्दी चलाइए गाड़ी, मम्मी को एकदम धूम धूम वाला फीलिंग दीजिए। गाइस वीडियो आज यही खत्म होता है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर कब कंप्लीट करोगे? और आप लोग 90% लोग आप लोग विदाउट सब्सक्राइब किए हुए मेरा वीडियो देख लेते हैं, क्यों? तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय, और मिलते हैं कल के नए व्लॉग में जिसमें हम लोग शादी में जाने वाले हैं और खूब मस्ती करके खूब टूटने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।